वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो जैसा कि हमने प्रोटोकॉल डेटा के टॉपिक को देख लिया था, प्रोटोकॉल डेटा वो जो हम मेरेन में रहते हैं, ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं, ठीक है, जिनके पास नोटोकोड होता है और विदाउट स्कल वाले होते हैं। तो आज हम देखेंगे उनके मजीद सब फाइलम दे उसके उनकी मजीद क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उनकी मजीद तीन टाइप्स होती हैं उनको देखेंगे, जो हेमिकोर डेटा है, यूरोकोर डेटा और सफेलोकोर डेटा, इनको हम देखेंगे वन बाई वन। तो हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेमिकोर डेटा। हेमिकोर डेटा एक प्रोटोकोर डेटा की एक क्लासिफिकेशन है, एक क्लास है, जो दे आर फाउंड इन मेरेन, जो मेरेन में रहती है। सम लिव इन सोलिट्री, सोलिट्री होता है तनहा, ठीक है, कुछ तनहा रहना पसंद करते हैं। एंड सम स्टे इन क्लोनीज, और कुछ क्लोनीज की फार्म में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। दे आर बॉडी सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड, यानी इनमें सेगमेंट नहीं होते, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। इधर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इन टू प्रोपोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, यानी इसकी बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, प्रोपोसिस, कॉलर और ट्रंक में। दे कॉलर बेयर आर्म्स एंड टेंटल्स, यानी इसके जो कॉलर बेयर होते हैं और टेंटल्स इसके पास होते हैं। दे हैव कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इसके पास कम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम है, जो माउथ से लेकर अनस तक, माउथ से जो भी चीज़ इंजेस्ट करता है और अनस से एलिमिनेट करता है, ठीक है। रिस्पायर थ्रू द गिल्स, यानी रिस्पायरेशन गिल के जरिए होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कंप्राइज हार्ट विद लॉन्ग टू लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, यानी इसके सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट के जरिए होती है, जिसमें टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होती हैं, ठीक है। देयर ब्लड इज नो कलर, यानी इसके ब्लड का कोई कलर नहीं होता। सेक्सेस में सेपरेट और यूनाइटेड एंड फर्टिलाइजेशन इधर इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी इसमें जो होती है रिप्रोडक्शन होती है वो सेपरेट होती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोकोरिडा या ट्यूनिकेट, ये भी मेरे में रहते हैं, ये ससाइल होते हैं, फिल्टर ससाइल होते हैं रिंगने वाले, ठीक है। फिल्टर फिटर होता है जो पानी के जरिए अपनी खुराक तलाश करते हैं, इनको ट्यूनिकेट कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक लैदरी शीत होती है, उसी वजह से इसको टूनिकन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द बॉडी अपेयर नोटोकोड एट लार्वा स्टेजेस एंड टेल लार्वा एंड डिसअपीयर इन द अडल्ट, यानी इनमें लार्वा के दौरान नोटोकोड अपेयर हो जाता है और अडल्ट जो होता है तो डिसअपेयर हो जाता है, इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें भी रिस्पायरेशन गिल के जरिए होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका, एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट होते हैं इनमें, तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होते हैं बाय द बडिंग, ठीक है। इसके नीचे एग्जाम्पल है सेल्फा। लास्ट है हमारे पास सफेलो, सफेलो का मतलब होता हैड, ठीक है। दे आर मेरेन एंड फिल्टर, ये भी मेरेन होते हैं, फिल्टर फिटर होते हैं। देन नोटोकॉर्ड मेन थ्रू आउट द लाइफ एंड एक्सटेंड थ्रू द हेड रीजन, यानी इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है ना हेड तक एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। इस तरह नर्व कॉर्ड एंड टेल आल्सो रिमेन थ्रू आउट द लाइफ, और नर्व कॉर्ड और टेल भी इसमें लाइफ पूरी लाइफ में रहते हैं। सेलियोनोसिट्स आदि एक्सटेटिव स्ट्रक्चर है। रिस्पायरेशन इसमें गिल्ड के जरिए होती है, ठीक है। द बॉडी वॉल कंप्राइजेज माइटोसोम्स, यानी इसकी बॉडी वॉल माइटोसोम्स होती है, इसकी एग्जाम्पल है एम्फीशियस, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।